नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन आज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जीएसटी की विसंगतियों के विरोध में उज्जैन में दुकानें बंद रहीं। आज व्यापारियों की संस्था केट ने भारत बंद का आह्वान किया। उज्जैन में सराफा से लेकर किराना तक की दुकानें बंद रहीं। उज्जैन में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स केट की प्रदेश इकाई द्वारा जीएसटी के जटिल प्रावधान एवं ई कॉमर्स कंपनियों की मनमानी के खिलाफ आज भारत व्यापार बंद का आह्वान किया गया। शहर में इसका असर सुबह से बंद नजर आया। केट से जुड़े पदाधिकारियों के मुताबिक जीएसटी कानून की कुछ जटिल विसंगतिपूर्ण अव्यावहारिक कानून प्रक्रिया नियम उपनियम व अधिसूचनाओं के विरोध में आज भारत व्यापार बंद का यह कदम उठाया गया है। केट प्रदेश महामंत्री राजेश अग्रवाल, संभाग अध्यक्ष मुकद्दर शेख, जिला अध्यक्ष सुनील गुप्ता, जिला प्रभारी अवतंस मोदी, संयोजक मोहन खंडेलवाल, सह संयोजक मनोहर भालेराव, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मानक लाल गिरिया, ड्रगिस्ट एवं केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम त्रिपाठी, मंडी एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दिलीप गुप्ता के मुताबिक व्यापारियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना उनका पंजीयन रद्द करने के विरोध के साथ ही विक्रेता द्वारा रिटर्न न भरने पर क्रेता के इनपुट टैक्स क्रेडिट पर रोक लगाने का आज विरोध दर्ज कराया गया है। जो कि भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी संस्था, भारत के 8 करोड़ व्यापारी इसमें जुड़े हैं, जिनसे पूरे भारत का रोटी रोजगार चलता है। आज उसने जीएसटी 2016 चार सालों में जो विभिन्न विसंगतियां आई है, 950 संशोधन हुए हैं, उसमें व्यापारियों की जो गंभीर अनियमितता है, व्यापारियों पे पेनल्टी लगाना, व्यापारियों पे शास्ति लगाना, व्यापारियों को ई वे बिल में तकलीफ आना, जीएसटी प्रोविजन में तकलीफ आना, उसके लेके ऑल इंडिया हमने 29 राज्यों में ही पूरा इसका वो चलाया है। और 100% आज 26 फरवरी को पूरा भारत बंद का आह्वान किया है, जो 100% सफल रहा है। आज हमें उज्जैन भर के तमाम एसोसिएशन का पूरा सपोर्ट मिला है और उसी तारतम्य में हम आज कलेक्टर को हमने ज्ञापन भी दिया है और हम ये कामना करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस पर सुनवाई करें और व्यापारियों को गंभीरता से ले, अन्यथा आगे भी है जीएसटी के विरोध में दौलतगंज क्षेत्र के किराना व्यापारी एवं सराफा क्षेत्र के सोना चांदी व्यापारियों ने बाजार बंद रखा। जीएसटी के विरोध में उज्जैन का थोक किराना व्यापार एवं सोना चांदी व्यवसायियों ने शुक्रवार को दोपहर तक के बंद का आह्वान किया। यहां सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। व्यापारियों की मांग है कि जीएसटी में काफी दिक्कतें आ रही हैं। धारा 29 के तहत रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का प्रावधान है, जो कि गलत है। इसके अलावा सरकार ने कई संशोधन किए, जिसके कारण भी कई दिक्कतें आ रही है। सभी संगठनों ने अपनी मांगों से संबंधित 25 बिंदु सरकार के समक्ष रखे। वहीं बाजार बंद होने से सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा। विक्रमादित्य कपड़ा बाजार व्यापारियों ने बंद कर नारे लगाकर जीएसटी पर विरोध जताया। उज्जैन का सबसे प्रमुख विक्रमादित्य कपड़ा बाजार शुक्रवार को बंद रहा। यहाँ व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद करके विरोध जताया। बंद के दौरान व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों के बाहर नारेबाजी की। यहां व्यापारियों की मांग है कि सरकार जीएसटी में जमीन अधिग्रहण, बैंक खाते सीज करना व जब्ती संबंधित जटिलता खत्म करे।